हम बात करते हैं आपसे कि जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसी का एक टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स का जो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके बारे में। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका आपका तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। पहला है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स का मैटर के बीच स्पेस होता है, ठीक है। और जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बिटवीन उस स्पेस को बोलते हैं आपका इंटर मोलेकुलर स्पेस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? इंटर मोलेकुलर स्पेस, ठीक है। कोई भी मैटर का आपका है चाहे किसी भी रहे तो उसको क्या बोला जाता है? मोलेकुल्स के बीच का गैप को इंटर मोलेकुलर स्पेस, ठीक है। अब ये आप देखते हैं हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू, ये पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आपको इसमें क्या करना है, जैसे हम लोग क्या करेंगे, वी आर टेकिंग ए ट्रांसपेरेंट कंटेनर, कोई आप एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर ले लेते हैं एंड टेक सम वाटर, उसमें क्या हम लोग कुछ वाटर ले लेते हैं, ठीक है, मेजर करके या नहीं भी मेजर करते हैं तो क्या करना है, जितना वाटर लिए हैं वी आर मार्क इट, उस एक पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं आपका मार्क कर देंगे कि यहां तक हमारा वाटर फिलअप किए हैं, फिल किए हैं। After that, इसके बाद क्या करना हम लोग को, we put some sugar और salt, इसमें 1 स्पून या 2 स्पून, 10 ग्राम 20 ग्राम एनीथिंग कुछ भी हो उसको हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। एंड इनिशियली जैसे हम लोग मान लीजिए शुगर इसमें डाल दिए तो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि द लेवल ऑफ वाटर इज लिटिल राइज, ये पानी मान लीजिए ए पॉइंट पे था, ये आपको लेवल बी पॉइंट पर आ जाता है स्टार्टिंग में। अगर क्या करते हैं रेस्टायरेट उसको कुछ देर चलाते हैं तो व्हाट यू ऑब्जर्व, हम लोग को क्या ऑब्जर्व करते हैं कि द शुगर पार्टिकल्स जो था शुगर क्रिस्टल्स आर डिसअपीयर, वो शुगर क्रिस्टल्स जो है आपका गायब हो जाता है। तो यहाँ वो क्या हो गया, ठीक है, गायब कैसे हुआ, व्हाई इट इज डिसअपीयर्स, एंड यू ऑब्जर्व इट द लेवल ऑफ वाटर इज अगेन कम एट ए, ए के बीच में ए लाइन जो था ए पॉइंट्स ये इनिशियल जो मार्क हम लोग किए थे उसी पर आ जाता है, लेवल राइज नहीं करता। तो एक्चुअली दिस शुगर पार्टिकल्स क्या होता है, ब्रेक इनटू वेरी फाइन स्मॉल पार्टिकल्स, एकदम स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर जाता है, एंड दीज स्मॉल शुगर पार्टिकल्स आर इंटर बिटवीन द स्पेस ऑफ द वाटर पार्टिकल्स, वो जो भी शुगर पार्टिकल्स था ब्रेक करके वो क्या होता है वाटर पार्टिकल्स के बिटवीन इंटर कर जाता है। जैसे मान लीजिए वाटर पार्टिकल्स है ये ब्रेक करके शुगर पार्टिकल्स से गैप में एंट्री कर जाता है, एंड ड्यू टू इट द लेवल ऑफ वाटर इज नॉट राइज। अब आइए देखते हम लोग इसका जो दूसरा प्रॉपर्टी है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी सेकंड जो है पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअस मूविंग, कोई भी आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स होता है मैटर का पार्टिकल्स को कंटिन्यूअस मूव करते रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। यह है कि डिफरेंट स्टेटमेंट जब हम लोग बात करेंगे तब बताएंगे वहां, तो हाउ टू वी प्रूव इट, इसको कैसे एक्चुअली हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। तो वी एक्सप्लेन वन एक्टिविटी, क्लियर। तो नाउ इन दिस एक्टिविटी यू लाइट ए इंसेक्ट स्टिक्स, आप अगरबत्ती एक बर्न करते हैं एंड पुट इन ए कॉर्नर ऑफ द रूम, एक कॉर्नर में हम लोग रख देते हैं, तो क्या होता है आफ्टर सम टाइम्स यू सी और ऑब्जर्व द स्मेल ऑफ द इंसेक्ट स्टिक रीच टू अनदर कॉर्नर, जो एक जगह हम लोग रूम में जो अगरबत्ती जलाए उसका स्मेल क्या होता है आपका रूम का दूसरा साइड या आपका जो दूसरे रूम्स है वहां तक पहुंच जाता है। तो एक्चुअली ये क्या है, जो इंसेक्ट स्टिक्स के स्मोक निकल रहा है वो क्या है, दिस पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड दे आर कंटिन्यूअस मूविंग वेरी वाइगरसली, बहुत ज्यादा स्पीड से वो मूव करता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि व्हेन वी लाइटेड द इंसेक्ट स्टिक्स को जैसे बर्न किए तो उसके पास कौन सा एनर्जी है आपका, हीट एनर्जी होता है, एंड क्या बोल कंटिन्यूअस मूविंग कर रहा है, एनी बॉडी विच कंटिन्यूअस मूविंग दैट मीन्स इट हैज काइनेटिक एनर्जी, उसके पास क्या होता है आपका काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। तो ये ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअस मूव्स, एंड व्हेन इट विल बी गेट हीट, हीट ज्यादा मिल जाता है तो इसका स्पीड क्या हो गया पार्टिकल्स का बढ़ गया, और ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण क्या तो एसमेल विल बी रीचेज वेरी फास्ट।
नाउ अब आइए देखते हैं हम लोग आपका जो पार्ट इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स का. तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब क्या होता है, जो भी मैटर का पार्टिकल्स होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है. ठीक है, तो दिस फोर्स वो क्या करता है, एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को. ठीक है, तो द इट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्स, कोई भी नाम हम लोग बोल सकते हैं. यहाँ इसको क्या बोलते हैं, इंटर मोलेकुलर फोर्स. ठीक है, तो ये क्या है आपका कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटर मोलेकुलर फोर्स. तो वो फोर्स को हम लोग इंटर मोलेकुलर फोर्स बोलते हैं. और ये क्या होता है, कोई भी मैटर्स का पार्टिकल्स होता है दे आर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को हम लोग क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. क्लियर. अब क्या सिंपल हम लोग वन एक्टिविटी इसमें देखते हैं कि हाउ वी आर प्रूव्ड इट. ठीक है, तो सिंपल वी एक्सप्लेन वन एक्टिविटी एंड यू कैन डू इट इजीली, उसको आसानी से आप कर सकते हैं. जैसे क्या, यू आर ओपन ए टेप, कोई हम लोग घर में आपका टेप होता है, नल को ओपन करते हैं तो ये से उसका वाटर करंट जो होता है इसे डाउनवर्ड आपका फ्लो कर रहा है. ठीक है, अब क्या करना है आपको, वी कट इट बाय वन फिंगर, एक फिंगर से आप इसे काटते हैं, क्या होता है ये ऐसे हाथ आपका पार हो जाता है. बट यू डाई नॉट सी देयर इज एनी गैप, यहाँ जो गैपिंग होगा वाटर का करंट में वो गैप आपको नहीं मिलता है. तो इससे क्या होता है, दिस एक्टिविटीज क्या शो कर रहा है आपका कि दे आर पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर, ये पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, अट्रैक्ट करता है. या फिर आप देखिएगा कि व्हेन यू आर स्विमिंग इन ए स्विमिंग पूल, ठीक है, द स्विमर ट्राई टू कट द वाटर, वो देखते हैं अपने हैंड से वाटर को काटता है, अलग करता है, बट इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन वो देखिएगा पॉसिबल नहीं होता. फिर का तो वाटर आर कम इन कॉन्टेक्ट, वाटर जो करेंट है दोनों अलग करता है, जब स्विमर वो देखिएगा आके फिर टच कर जाता है.